कई लोग अपने चेहरे पर निकलने वाले मुंहासों यानी एक्ने से परेशान रहते हैं, तो वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पीठ और शरीर के अन्य भागों पर एक्ने होते हैं। अगर आपके भी बॉडी पर एक्ने होते हैं तो आपको टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े आपकी त्वचा को सांस नहीं लेने देते और फिर बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जिससे एक्ने होता है। एक्ने से राहत पाने के लिए आपको घरेलू चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, ये थोड़ा समय जरूर ले सकते हैं, पर आपको एक्ने से राहत जरूर दिला सकते हैं। अब आइए जानते हैं बॉडी पर निकलने वाले एक्ने को घरेलू तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है। ओटमील ऑयली स्किन की वजह से एक्ने होते हैं, तो अगर शरीर पर ऐसी चीज लगाएं जो ऑयल को सोख ले और पोर्स को साफ करे, तो ओटमील लगाएं। ओटमील से त्वचा को स्क्रब करें और शरीर को गंदगी तथा तेल से राहत दिलाएं। एप्पल साइडर विनेगर यह सिर का एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मददगार है। साथ ही यह एक्ने से पैदा होने वाले शरीर पर लाल चक्कतों को कम करता है और त्वचा को साफ रखने में मदद करता है। टी ट्री ऑयल, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो एक्ने का खात्मा कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, तो संक्रमण से भी छुटकारा मिल जाता है। इप्सोम सॉल्ट एक्ने से त्वचा पर लाल चक्कते, खुजलाहट, संक्रमण और सूजन हो जाती है, जिसे इप्सोम सॉल्ट दूर करता है। आपको इस नमक से नहाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करके विटामिन डी, पोटेशियम और जिंक को शरीर में सोखने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है और त्वचा की हालत सुधरती है। सी सॉल्ट पीठ के मुंहासों के लिए सी सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह तेल को कंट्रोल करके शरीर में नमी भरता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो बैक्टीरिया को किनारे रखता है। हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रयोग करें, क्योंकि टेबल सॉल्ट में आयोडीन होता है जो कि मुंहासों को और बढ़ा सकता है।